नमस्कार, खबरें अभी तक पर आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। मैं अनामिका पांडे हाजिर हूं खबरें अभी तक की बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा के जूरी राउंड में। बादशाहपुर हलके के पहले राउंड में टॉप 16 से टॉप 6 उम्मीदवार चुने गए, जिन्हें अब हमारी जूरी का सामना करते हुए खुद को रखना होगा कसौटी पर और फिर इन्हीं टॉप 6 में से चुना जाएगा बादशाहपुर का सबसे बेहतर उम्मीदवार। वैसे हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मौजूदा सियासी तंत्र में बदलाव तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी सफलता जनता की भागीदारी से ही मुमकिन है। इसके तहत प्रदेश के सभी हलकों से एक के बाद एक सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनने की कोशिश खबरें अभी तक ने की। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश एक ऐसे नेता को तलाशने की है जिसे जनता वाकई में कहे भाई एमएलए हो तो ऐसा। तो चलिए अपने और आपके कीमती वक्त की कद्र करते हुए शुरू करते हैं अपने खास अंदाज के इस खास शो का दूसरा राउंड, जिसके तहत आपकी मुलाकात कराते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्रों के माहिर जूरी सदस्यों से। जाकिर अली साहब, आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। के एस मलिक जी, रिटायर्ड एक्साइज कमिश्नर हैं आप। कुमार विजेंद्र भूषण जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। के द्विवेदी जी, समाज सेवी हैं आप। और आप हैं डॉक्टर योगराज जांगवाल, रिटायर्ड CMO हैं आप। और अब आपको मिलवाते हैं इस शो के विश्लेषक और जज से, आप हैं अनिल आर्य जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा में। और अब वक्त है आपको उन सभी उम्मीदवारों से मिलवाने का जो बादशाहपुर हलके के पहले राउंड को पार कर दूसरे राउंड तक पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन उससे पहले हम टॉप 6 में जगह बनाने वाले सभी उम्मीदवारों से आग्रह करते हैं कि जूरी राउंड में जगह बनाने के बाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने को उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रदेश की राजनीति को बदलने का एक संजीदा कार्यक्रम है ये। बिल्कुल अनामिका, और जो लोग टॉप 6 में जगह बनाने के बावजूद इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनते हैं, इसका अर्थ यह है कि वो अपने वायदों के प्रति गंभीर नहीं है, या उनके अंदर खुद कोई कमी है, या फिर वो जनता के हित के बारे में कभी नहीं सोचते। मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने वायदों के प्रति गंभीर रहिए, आप जो कहते हैं, जो वायदा करते हैं उसको निभाइए। अगर नहीं आप निभाएंगे तो मतदाता आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल, वादों को निभाइए, जनप्रतिनिधि मानते हैं। एक कुशल नेता की असली पहचान ही यही है कि वो हर परिस्थिति में, हर मोर्चे पर अपनी जनता का सामना करने का मादा रखता हो, हर संघर्ष से निपटना जानता हो। कहा भी है, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम यहाँ की तुम। यहाँ पर अपने दर्शकों को बताएं, जो साहब दो उम्मीदवार आज नहीं आए जिनकी जगह मौका मिला है राजे यादव जी को, तो आइए अब उन उम्मीदवारों से शुरू करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जूरी राउंड के लिए। सबसे पहले उम्मीदवार हैं राजे यादव जी, स्वागत है आपका, बहुत बधाई जूरी राउंड तक पहुंचने के लिए। एक नज़र डालते हैं आपके स्कोर कार्ड पर। राजे यादव का स्कोर कार्ड पहली स्क्रीनिंग में 11 मापदंडों के आधार पर इन्होंने लिए हैं 67 अंक। और आप हैं कमल यादव, बहुत स्वागत है आपका भी, ढेरों बधाई टॉप 6 तक पहुंचने के लिए। एक नजर आपके स्कोर कार्ड पर भी। कमल यादव का स्कोर कार्ड देखिए, 64 अंक लिए 10 पैमाने पर, 11वें पैमाने में मिले 9 अंक, छवि और साख में 73 अंकों का योग है, अच्छा प्रदर्शन रहा इनका। आप हैं बेगराज यादव, आपको भी बधाई, साथ ही स्वागत करते हैं आपका जूरी राउंड में। अपने दर्शकों को आपका स्कोर कार्ड भी दिखाते हैं, पहली स्क्रीनिंग के आधार पर कितने अंक लिए आपने। बेगराज यादव का स्कोर कार्ड आपके सामने, 10 पैमाने पर 65 अंक, छवि और साख में 12 अंक लिए हैं इन्होंने, कुल 77 का योग होता है। और आप हैं राकेश दौलताबाद जी, आपका भी बहुत स्वागत है, ढेरों बधाई जूरी राउंड तक पहुंचने के लिए। स्कोर कार्ड देख लेते हैं आपका भी। राकेश दौलताबाद का स्कोर कार्ड 60 अंक, 10 पैमाने पर 18 अंक, छवि और साख में 78 अंकों का जबरदस्त स्कोर योग है इनका।
आप हैं ऋषिराज राणा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ढेरों बधाई हम आपको देते हैं टॉप सिक्स तक पहुंचने के लिए। आपका स्कोर कार्ड भी देखते हैं। ऋषिराज राणा के स्कोर कार्ड देखिए, 10 मापदंडों का योग 62 अंकों का, छवि और साख में 13 अंक लेते हुए इन्होंने बटोरे हैं 75 अंक। और इससे पहले कि हम इस सियासी मुकाबले की शुरुआत करें, मैं आपको एक बार फिर से बताना जरूरी समझती हूँ कि अगर किसी उम्मीदवार की जानकारी गलत पाई जाएगी तो उनसे उनका रिवॉर्ड वापस ले लिया जाएगा। और हम अपने इस कार्यक्रम के तहत ही खुलासा भी करेंगे, जैसा काफ़ी अहम हिस्सा है ये शो का, इसलिए आप इस बारे में ज़रूर बताएं। मैं सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा और दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि जो जानकारी इन प्रतिभागियों से मांगी गई थी 10 मापदंडों पर, अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, इन्होंने गलत जानकारी दी है, तो ये इनकी असफलता का कारण माना जाएगा। मैं दर्शकों से कहूँगा, अगर आपके पास कोई सबूत है कि किसी भी प्रतिभागी ने गलत जानकारी दी है, चाहे वो राजनीतिक पद की बात हो, चाहे चुनाव की बात हो, चाहे आपराधिक रिकॉर्ड की बात हो, चाहे क्षेत्र में रहने की बात हो, कोई भी जानकारी गलत है, आप हम तक भेजिए, सबूत भेजिए, हम उनकी जांच करेंगे। और अगर लगा ये सही पाया गया कि आपने जो कहा है, जो सबूत दिए हैं वो सही हैं, तो हम इस बात का खुलासा चैनल पर ज़रूर करेंगे कि किस व्यक्ति ने क्या झूठ बोला और वो झूठ की राजनीति करता है। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और जो रिवार्ड दिया जाएगा वो रिवार्ड भी वापस लिया जाएगा। बिल्कुल जैसा, आप बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहाँ पर फौरन लौटेंगे।